नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हो बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स। में दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट लेके आया हूँ जो DRDO की तरफ से आया है। इसमें BE BTech MEM Tech दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाली है, कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है। ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी बिलोंग करते हो तो इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। मैं इस वीडियो में डिटेल्स नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, कौन सी पोस्ट निकल के आया है, हर एक पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है, इसका एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है, मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीड्योर क्या होने वाली है। तो हर एक चीज़ एक एक करके डिटेल्स में डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट चलते हैं डिटेल्स नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि DRDO चंडीगढ़ की तरफ से आया है। JRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलो का पोस्ट निकल के आया है। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो फर्स्ट है सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग में से MTech करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग में से BE BTech करके रखे हो और उसके साथ अगर आप लोग नेट या तो गेट क्वालिफाइड हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में स्टील स्ट्रक्चर एनालिसिस, माइक्रोपाइल डिजाइन पे नॉलेज मांग लिया गया। उसके अलावा StatPro, ETABS और फाइनाइट एलिमेंट सॉफ्टवेयर जैसे कि एनसीस अवकाश में वर्किंग एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 निकल के आया है। नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में से BE BTech करके रखे हो और उसके बाद अगर आप लोग नेट या तो गेट क्वालिफाइड हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस या तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में से ME M Tech करके रखे हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस में से MSc करके रखे हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, बट उस केस में आपको गेट या तो नेट क्वालिफाइड होनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में C++, जावा, पाइथन, मैटलैब पे नॉलेज मांग लिया गया है और उसके अलावा रिमोट सेंसिंग, GIS और मशीन लर्निंग पे भी नॉलेज मांग लिया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 निकल के आया है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल साइंस, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग इन्वायरमेंटल साइंस, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस में से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करके रखे हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग इन्वायरमेंटल साइंस या तो स्टैटिस्टिक्स या तो कंप्यूटर साइंस में से ME M Tech करके रखे हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 निकल के आया है। नेक्स्ट है जियोलॉजी वालों के लिए, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग जियोलॉजी या तो रिमोट सेंसिंग या तो जियोग्राफी या तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स में से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग जियोलॉजी या तो रिमोट सेंसिंग या तो जियोग्राफी या तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स में से ME M Tech करके रखे हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 निकल के आया है। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट यहाँ पे 28 ईयर्स तक रखा गया है। अगर आप लोग SC ST कैंडिडेट या तो OBC कैंडिडेट हो तो उन लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। ये एक टेम्पोरारी जॉब है, कोई परमानेंट जॉब नहीं है। नेक्स्ट, इनिशियली आपको 2 साल के लिए हायर किया जाएगा। अगर उसके बाद प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन इंक्रीज होता है तो उस केस में आपका जॉब का ड्यूरेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीड्योर की। तो सिलेक्शन प्रोसीड्योर में आपका नेट या तो गेट में जितना स्कोर है और उसके अलावा आपका ME M Tech या तो BE BTech में जितना भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स है उसके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट निकलवाया जाएगा। अगर आप लोग उस मेरिट लिस्ट पे शॉर्ट लिस्ट होते हो तो उसके बाद आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसीड्योर की। तो एप्लीकेशन प्रोसीड्योर यहाँ पे ऑफलाइन रखा गया है। इस नोटिफिकेशन के साथ एक अटैच फॉर्म दिया हुआ है, जिस अटैच फॉर्म को आपको फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद उसके साथ आपका मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, अगर आप लोग SC ST या तो OBC कैंडिडेट हो तो उन लोगों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी, उसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स का फोटोकॉपी आपको उस एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। अटैच करने के बाद आपको एक एनवेलप बनानी पड़ेगी जिसके ऊपर आपको मेंशन करना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ JRF और उसके बाद पोस्ट का सीरियल नंबर। मेंशन करने के बाद आपको उस एनवेलप को इसी एड्रेस पे 16 सितंबर 2021 से पहले सेंड कर देना है। तो ये है इस नोटिफिकेशन का डिटेल्स और इसके बाद मैं आप लोगों को ऑफलाइन फॉर्म दिखा देता हूँ। तो ये है इसका ऑफलाइन फॉर्म जो आप लोग देख पा रहे हो। इसमें आपको फर्स्ट आप लोग जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट का सीरियल नंबर आपको मेंशन करना होगा, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको मेंशन करना होगा और उसके बाद आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी और उसके बाद आपका एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे अटैच करना है और उसके अलावा आपका जेंडर कैटेगरी आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी, उसके अलावा आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी होगी और उसके साथ साथ आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी और फोन नंबर है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है।
उसके बाद आपका जो एडुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके अलावा अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस का डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर आप लोग नेट या तो गेट क्वालिफाइड हो तो उस केस में आपको यहाँ पे येस करना है, अगर आप लोग नहीं हो तो उस केस में आपको नो करना है। अगर आप लोग नेट या तो गेट क्वालिफाइड हो तो उस केस में आपका गेट या तो नेट का जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। उसके बाद आप कौन सी ईयर पे गेट या तो नेट क्वालिफाई किए हो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद आपका नेट या तो गेट का स्कोर मेंशन करनी है। उसके बाद नेट या तो गेट स्कोर कार्ड का जो वैलिडिटी होती है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो ये है इस फॉर्म का डिटेल्स। इस फॉर्म को आपको अच्छे से फिलअप कर लेना है और फिलअप करने के बाद आपको इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ उस डॉक्यूमेंट्स को आपको अटैच करना है। अटैच करने के बाद आपको एक एनवेलप बनानी पड़ेगी और उस एनवेलप को आपको उसी एड्रेस पे 16 सितंबर 2021 से पहले भेज देना है। तो ये है इस नोटिफिकेशन का डिटेल्स और वीडियो का डिटेल्स। मैं नोटिफिकेशन का लिंक और एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन को प्रेस कर दो, क्योंकि मैं हर एक दिन ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशन लेके आता रहता हूँ। अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ऐसे नोटिफिकेशन ढूंढ ढूंढ के लाने के लिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और जितना हो सके शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों को हेल्प हो जाए। अगर आप लोग मेरा वीडियो लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए और लेके आने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।